जीटीए चुनाव को अधिसूचना जारी भएको कारण चुनाव आचार संहितालाई मध्यनजर राख्दै सिन्कोना श्रमिक को आंदोलन स्थगित। चुनाव आचार संहिता सक्ने बित्तिकै आंदोलन जारी रहने टीएमसी ट्रेड यूनियन मुनाल घिसिंग को भनाई। हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सिन्कोना प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी, तो हम ये जानकारी कराना चाह रहे हैं कि हम जब 28 अप्रैल 2022 से जो सिन्कोना प्लांटेशन में ग्रुप डी प्रक्रिया जो बंद था, जो दिनों दिन से बंद था, वो उसके लिए जो प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, और आज जो जीटीए के इलेक्शन जो होने जा रहा है, आज से ये अधिसूचना जारी हुआ है, आज से ये आचार संहिता जो जारी हुआ है, और इसके मद्देनज़र रख के यहाँ पे थोड़ा शांति कायम करना है, क्योंकि सरकार जो यहाँ पे एक शांतिमय वातावरण में जो चुनाव करवाना चाहते वो उसको हम सराहना करते, इसीलिए हम ये धरना को अभी ये जीटीए ये जो आचार संहिता चुनाव के आचार संहिता है इस वक्त पर एक महीने के लिए हम थोड़ा ये स्थगित करके आगामी ये जीटीए चुनाव का बाद में जो फिर शुरू होगा हमारा ये मांग जब पूरा नहीं होगा तो हम फिर सड़क में उसी तरह आके हम और तीव्र गति से आंदोलन को आगे ले जाएंगे, यही हम सबको वो करते हैं। और इसीलिए हमने आज ये जो है ये जानकारी भी डायरेक्टर को दिया है, और इसमें हम पूरा लिख दिया है कि हमने हमारा जो मांग है ये स्पष्ट हमारा अड़ान है कि हमारा मांग पूरा होना चाहिए, और ये मांग पूरा न होने नहीं हुआ तो हम ये जीटीए चुनाव के जो आचार संहिता है, ये आचार संहिता के बाद में भी हमारा जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम है, जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन जारी रहेगा, एकदम यथावत रहेगा, और इसके लिए हम गणतांत्रिक पद्धति के हिसाब से हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो और जोड़ तोड़ से हम और तीव्र गति से ये आंदोलन को लेकर आगे जाएंगे, ये हम सबको बताना चाहते हैं।